कैसे आप सब, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल टूर इंडिया न्यूज पे। मैं आपको इससे पहले भी कई बार इस टब की वीडियो दिखा चुका हूँ। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी वो टब विद स्टीमर बनाई थी, जिसमें स्टीमर यूज करके मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप सोना बाथ और स्टीम थेरेपी ले सकते। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उनमें हम बताया थे कि आप गीजर के थ्रू पानी डाल के टब को कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास है एक लेटेस्ट मशीन आ चुकी है जो कि आपको पानी गर्म करके भी ऑटोमेटिक देगी और पानी के टेम्परेचर को मेंटेन भी करके रखेगी। इस मशीन के अंदर आपको पंप, थर्मोस्टेट, कंट्रोल पैनल, ऑटो कट सिस्टम और वाटर हीटर मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिकली पानी को हीट करता है प्लस पानी के टेम्परेचर को मेंटेन भी करके रखता है। आप जो थेरेपी हिम्स हॉस्पिटल वाले बताते हैं जैसे 2 घंटे आपको थेरेपी लेनी होती है तो आप 2 घंटे कंटिन्यू टब के अंदर बैठ सकते हैं, आपका टेम्परेचर 40 से डाउन नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस मशीन का बाहरी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिखता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट मशीन है, आप देख सकते हैं यहाँ से आपका सारा इंडिकेटर जो है मशीन का वो दिखा रखा है। ये आपका मोटर जब ऑन होगी तो आपका ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, हीटर, बजर, वाटर, पानी का सारा कुछ इसमें। आप इसमें टेम्परेचर सेट भी कर सकते हैं, अपना जो टेम्परेचर है आप मैन्युअली एंटर करके जितना भी आपको चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, आप अपने हिसाब से उसको सेट भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे सेफ्टी फीचर के लिए आपका मेन MCB फिटेड है जो कि ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती है अगर कोई भी इंसिडेंट, जैसे अगर उसमें कोई भी करंट या कुछ भी चीज़ अगर होता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। हीटर का ये पावर स्विच रहता है, आप हीटर ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। आप एक बार हीटर ऑन कर देंगे तो ऑन होने के बाद में फिर वो ऑटोमेटिकली ही ऑटो कट होता रहेगा। अब बात करते हैं इसकी फिटिंग की। इसमें जो है आपके साथ एक पावर केबल आती है जो कि इस तरीके से यहाँ पे आपको लगानी होती है, ये आप लगा देंगे सिंपल। एंड 2 पाइप होते हैं जो कि इनलेट, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, इनलेट एंड सेकंड जो पाइप रहता है आपका आउटलेट। ये 2 पाइप होते हैं जो कि मैंने टब के अंदर डाले हुए हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये आपका इनलेट पॉइंट है जिसके पाइप के आगे जाली लगी हुई है और ये जो जाली है ये आपका पानी को खींचती है, पानी को खींच के ये सीधे मशीन के अंदर ले जाती है। मशीन इसको ऑटोमेटिकली ही गर्म करके दोबारा से पानी टब के अंदर पहुंचाती है। तो ये जो आपका पानी है ये ऑटोमेटिकली गर्म होके आपका टब के अंदर पहुंचता है। साथ के साथ जैसे ही आपका टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाता है ये मशीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो अब हम इस मशीन को स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपका केवल इसमें एक पावर केबल रहेगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, वो पावर केबल लगा हुआ है। आपको 16 एम्पियर प्लग में या फिर जो भी पावर बोर्ड होता है आपको उसमें लगाना है। मैंने ये 16 एम्पियर का मेरा स्विच बोर्ड है, मैंने उसमें लगा दिया है। मैं मशीन को सिंपल यहाँ से बटन को ऑन करूँगा। ऑन करने के बाद में सबसे पहले आपको MCB को ऑन करना है। MCB ऑन करते ही इसमें देखिए रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएंगे। रीडिंग आते ही आपका जो पंप है वो स्टार्ट हो जाएगा और पंप का जो पाइप है वो आप देख सकते हैं, मैं इसमें डाल देता हूँ जो कि इसमें डला हुआ है और ये आप देख सकते हैं इसमें आउटलेट से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसके साथ ही हीटर का जो बटन है उसको ऑन कर दूंगा। हीटर का बटन ऑन करते ही देख सकते हैं आप हीटर की लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पास से, ठीक है। अभी पानी का टेम्परेचर जो है वो 31.9 है जो कि अभी इसका लेटेस्ट टेम्परेचर है इस टाइम पे, ठीक है। अब पानी जो है हमारा चलना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार इस पाइप को उठा के चेक करता हूँ, पानी का टेम्परेचर जो अभी नॉर्मल गुनगुना निकलना स्टार्ट हुआ है। अब ये धीरे धीरे और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। मशीन चालू है, आप देख सकते हैं मैं इसमें हाथ भी डाल रहा हूँ तो करंट का कोई भी इस तरीके का डर नहीं है। अभी मैं इसमें बैठूँगा अभी थोड़ी देर में, पानी जो है अब गर्म निकलना स्टार्ट हो गया है काफ़ी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें धीरे धीरे जो है पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ पाइप को, अभी आप देख सकते हैं टेम्परेचर धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। 30.5 है अभी जो है, पानी जो है ठंडा है तो अभी जो आपका पानी का टेम्परेचर है वो रीडिंग लेना स्टार्ट करा है। धीरे धीरे इस पानी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अभी जो है पानी का टेम्परेचर देख सकते हैं आप 30.5 हो चुका है
और पानी का फ्लो जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। मैं आपको पाइप को उठा के भी एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए पानी भी इसमें गर्म ही है और अभी थोड़ा सा गुनगुना पानी हो चुका है हमारा जो है टब का, अभी 30.5 पे ही है। और मशीन की जो आवाज़ है बिल्कुल माइल्ड साउंड है, कोई ऐसा नहीं है कि काफ़ी तेज़ साउंड हो, काफ़ी नॉइसी हो जो प्रॉब्लम लगे हमें सुनने में या ऐसा कुछ परेशानी वाली बात हो, नहीं कुछ भी नहीं। पानी आप देख सकते हैं वो कंटिन्यू चल रहा है और टेम्परेचर आपका 30.5। पूरा टब जो है गर्म होने में तकरीबन 40-45 मिनट हो जाते हैं, ये देखिए 30.6 हो चुका है और पूरा टब जो है आपका गर्म होने में एक बार में पानी 40-45 मिनट्स लग जाते हैं। फिर उसके बाद तो कुछ सेकंड्स का होता है जो कि आपका पानी इस टब के अंदर भी मेंटेन रहता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक बार अगर आप गीज़र के थ्रू या जो भी आपके पास इक्विपमेंट है उसके थ्रू अगर पानी डालते हैं तो वो आपका 40-45 मिनट तक रहता है उसमें, वो डाउन नहीं जाता, फ्लक्चुएट नहीं होता इतनी जल्दी टेम्परेचर जो है। दोनों जो है टेम्परेचर वो चल रहे हैं साथ के साथ, आप देख सकते हैं टब का जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे चल रहा है, 30.1 शो कर रहा है, 0.5 का डिफरेंस जो है इसमें दिखा रहा है। अभी जो है पानी कंटिन्यूस चल रहा है, अब आप देख सकते हैं पानी का जो टेम्परेचर है वो 30.9 हो चुका है और मशीन कंटिन्यू वर्किंग है। तो एक मिनट से भी कम टाइम में ये आपका 0.4 बढ़ चुका है, 31 हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम वेट करते हैं इसको और पानी गर्म होने देते हैं। आप देख सकते हैं पानी का टेम्परेचर जो है वो 30.1 सेल्सियस है और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, पानी का फ्लो चल रहा है इसमें। आप दोनों पाइप देख सकते हैं, वाला पाइप मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ, ये देखिए पानी का फ्लो जो है वो लगातार चल रहा है और टेम्परेचर देखिए अब 30.2 हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। हमारा हीटर, पानी का फ्लो, मोटर दोनों तीनों वर्क कर रहे हैं और ये धीरे धीरे अभी पानी जो है वो गर्म हो रहा है। तो पानी का टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यू चल रहा है उसी हिसाब से, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब ये जो हमारा मशीन का टेम्परेचर है वो 39.8 पे आ चुका है जो कि पानी का टेम्परेचर हमारा हो चुका है। अब जो मशीन का टेम्परेचर है 40 डिग्री पे, मैंने ये इसको सेट करा है 40.5 पे ताकि ये 40 से 39.5 पे जाए तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। तो मैंने जो है इसका टेम्परेचर 40.5 पे सेट कर रखा है, जैसे ही ये 40.5 पे आएगा तो इसका जो हीटर है जो कि आप लाइट देख रहे हैं जल रही है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो 39.8 हो चुका है और इसको तकरीबन 43 मिनट्स हो चुके हैं टोटल, तो अभी भी पानी चल रहा है, फ्लो सेम ही है और मशीन वर्क कर रही है, पानी कंटिन्यूस आपका फ्लो में चल रहा है। ये अब आप देख सकते हैं पानी का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री हो चुका है और 40.5 होते ही ये ऑटोमेटिकली हीटर जो है वो ऑफ हो जाएगा, 40.1 हो चुका है, पानी का फ्लो हमारा चल रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं गर्म पानी निकल रहा है यहाँ से। ये आप देख सकते हैं हीटर ऑफ हो चुका है और बजर जो है वो बजना स्टार्ट हो चुका है, अब ये बजर ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुका है। 40.5 पे आते ही आप हीटर देख सकते हैं, हीटर की लाइट जो है वो ऑफ हो गई है। अब मैं आपको इसके अंदर बैठ के दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं इस टब के अंदर जा रहा हूँ और मैंने अपना माइक निकाल लिया इसीलिए बाहर। तो अभी जो पानी है वो 40.3 पे है और मैं टब के अंदर एंटर कर रहा हूँ। तो पानी गर्म हो चुका है, पानी गर्म हो चुका है और मैं इसके अंदर बैठ रहा हूँ। आप देख सकते हैं मशीन जो है वो अभी भी स्टार्ट ही है। ये मैं बैठ चुका हूँ, अभी जो है मैंने पानी पूरा फिल नहीं किया है, इसमें मैंने अभी पानी कम ही फिल किया है क्योंकि मैं अभी आपको डेमो दिखा रहा हूँ।
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार हीटर को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि टेम्परेचर जो है वो डाउन जाए और आपको मैं दिखा सकूँ कि पानी का टेम्परेचर कैसे ऑटोमेटिकली दोबारा से स्टार्ट होता है। तो अभी जो है आप देख सकते हैं पानी का टेम्परेचर 40.1 है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं पानी का टेम्परेचर जो है वो 40.1 है और हीटर अभी भी स्टिल ऑन है। तो आपका ये जैसे ही 40.5 से नीचे जाता है तो ऑटोमेटिकली हीटर जो है वो ऑन हो जाता है। तो अभी हीटर जो है वो वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं कि मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको प्रॉपर और आराम से बैठा हुआ। पानी का जो है पानी गर्म है, 40 डिग्री पानी है, टेम्परेचर जो है अभी भी 40 डिग्री ही है। मैं एक बार इसके हीटर को ऑफ़ करता हूँ ताकि ये 40 से डाउन जाए तो मैं आपको दिखा पाऊँ। अब आप देख सकते हैं पानी का टेम्परेचर जो है वो 39.90 है। भी टेम्परेचर आप देख सकते हैं जैसे ही 40 से डाउन गया वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है और फिर से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, 40.1 पे है। ये दोबारा 5 पे आते ही ऑटोमेटिकली ऑटो कट हो जाएगा और दोबारा जो बज़र है वो बजना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो है पानी की आप लाइट देख सकते हैं वो ऑफ़ है, क्योंकि पानी जो है वो मोटर ने सक करना बंद कर दिया है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो एक्यूरेट हो चुका है उतना, तो पानी अभी गर्म होना बंद हो चुका है। जैसे पानी दोबारा से 40 से डाउन जाएगा तो ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है थेरेपी ले सकते हैं। मेरे को अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ और मेरे को पसीना आना स्टार्ट हो चुका है, और पसीने आने से ही बॉडी का जो टॉक्सिक है वो आपकी बॉडी से निकलना स्टार्ट होंगे, जिस तरीके से थेरेपी जो है वो काम करेगी। और पानी का फ्लो जो है वो करंटली ऐसे ही चलता रहना चाहिए, आपको 1 घंटा 2 घंटा डेली इसमें थेरेपी लेनी है। तो अभी आप देख सकते हैं ये 40.5 हो चुका है और हीटर की लाइट जो है दोबारा ऑफ हो चुकी है। तो इस तरीके से ये मशीन काम करती है, आपका ऑटोमेटिक ही ये वर्क करती रहती है और आपके पानी के टेम्परेचर को जो है वो 40 डिग्री पे ही मेंटेन करके रखती है। तो आप इस थेरेपी को स्टार्टिंग में 1 घंटे से स्टार्ट करें और धीरे धीरे इस टाइम को जो है वो बढ़ाएं। भी लोगों को किडनी डायलिसिस प्रॉब्लम है या जिनके बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है वो इस थेरेपी को कर सकते हैं, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। प्लस जिनका वेट बढ़ा हुआ है, ठीक है, इसके अलावा लीवर लंग्स की प्रॉब्लम है, बॉडी के अंदर टॉक्सिक इकट्ठे हो चुके हैं, आपके बॉडी पेन है, जॉइंट्स पेन है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम इस थेरेपी से ख़त्म हो सकती हैं। और बिल्कुल आप यूज़ कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपको डेली स्टार्टिंग में 1 घंटा या 40 मिनट से शुरू करना है, धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाना है और मैक्सिमम 2 घंटा, 2 घंटे से ज़्यादा इस थेरेपी को नहीं करना है। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। अगर आपका इस मशीन से रिलेटेड या इस थेरेपी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। उम्मीद है मैंने इस वीडियो के दौरान आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बात करते हैं ऑर्डर की। अगर आप ये मशीन और ये टब ऑर्डर करना चाहते हैं तो दिए गए इस डिस्प्ले नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ये डायरेक्ट डीलर का नंबर है, आप डायरेक्ट उनसे बात करके और इस टब को और मशीन को ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी स्टीमर भी उनके पास मिल जाता है, अगर किसी को स्टीमर चाहिए होगा स्टीम थेरेपी के लिए तो वो भी आप उनको कॉल करके उनसे बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने तीनों चीज़ें उन्हीं से मंगाई थी, तीनों चीज़ें बहुत बढ़िया हैं और अभी तक काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी मिल चुका है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाकी जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो के माध्यम से या इस टब के माध्यम से लाभ पा चुके हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें और भी लोगों को जागरूक करें ताकि कोई भी किडनी प्रॉब्लम से परेशान ना रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।